एवरीवन, नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति। मैं हूं डॉक्टर खुशी। वेलकम डिवाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं अप्रैल मंथ की रीडिंग, जो रहेगी हमारी दिस मंथ कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है मेष से लेके मीन राशि तक। तो चलिए जानते हैं। एंड अभी भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, जिसकी वजह से जितनी भी मेरी नोटिफिकेशन आती है जो आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ में इसी के साथ साथ में देती हूँ एनी टाइम आपको कुछ ना कुछ रेमेडीज आपके जीवन के अनुसार। एंड हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल एंड लव रिगार्डिंग। तो जानेंगे कि आपके लिए ये दिस मंथ कैसे होने वाला है, क्या रंग लेके आने वाला है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अगली राशि की ओर, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले चलिए जानते हैं कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, फाइनेंशियल कैसे रहेगा आपके लिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी दिखाई देती दे रही है, काफी अच्छी बैलेंसिंग एनर्जी में ट्रीट करना, अच्छी चीजों में रहना, थोड़ा स्ट्रेंथ रहेगा, थोड़ी सी आपको विल पावर, जो आपकी एनर्जी थोड़ी फैमिली में खर्च हो सकती है। कहीं ना कहीं अपनी बातों को घर पे भी छुपाओगे, बातें ज्यादा नहीं करोगे, अपने काम को अपने तरीके से करना जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी फुल एनर्जी काफी अच्छे तरीके से ग्रोथ होके आती हुई दिखाई देती दे रही है। कुछ चेंजेस आपके इसमें आएंगे, कुछ चेंजेस आपके इसमें आने की वजह से कुछ नई तरीके से, कुछ नई तरीके की शुरुआत भी जो है कर सकते हैं। जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स की मीन्स कि आप हर चीजें बहुत ही, मतलब जितना कमाएंगे उतना ही आप जो है कहीं दान कर सकते हैं, या फिर कहीं किसी की चैरिटी कर सकते हैं, या फिर कहीं किसी को मेंबर्स को, जो बोलते हैं ना कि ज्यादा मेंबर्स बढ़ा लिए है ऑफिस मेंबर्स में, या फिर कहीं आप जहाँ पे शॉप पे है, तो ये चीजें हो जाए कि जॉब की कंडीशन में अगर देख लेते तो जॉब में तो नई कंडीशन नहीं नजर आती दिखाई दे रही, पर कहीं ना कहीं मेडिटेट करना, मेडिटेशन करना, या फिर कहीं ना कहीं म्यूजिक सुनना, अपने आप में रहना, बैलेंसिंग रहना, ये थोड़े से लाइफ में चेंजेस आएंगे। थोड़े से पहनावे में भी चेंजेस आए आपकी तरफ, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका पहनावा भी चेंज हो जाए, मतलब पहले की तरह आप थोड़े अच्छे दिखने लगो, थोड़े से लुक में थोड़े से गुड लुकिंग थोड़े से दिखने लगो, थोड़े अपने आप में थोड़े बदलाव जो है आप लाते हुए दिखाई दे रहे हो। जो चीज की आप में कमी है वो चीज को आप जो है पूरे भरते हुए मुझे जो है इस मंथ में नजर आते हुए दिखाई दे रहे। तो चलिए जानते कि आपकी लव रीडिंग एंड रिलेशनशिप रीडिंग कैसी रहेगी। शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। तो चलिए जानते कि दिस मंथ आपके साथ क्या होने वाला है। तो जो न्यू लव कम्युनिकेशन है तो उनके लिए कंडीशन जैसे देखा जाए तो काफी ज्यादा नेगेटिविटी चीजें आती हुई दिखाई देती है पार्टनर की तरफ से, काफी ज्यादा इरिटेटिंग पर्सनालिटी, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोलते ना कि एक अच्छी वाइब्स नहीं आती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप रात में नहीं सोते होगे, शायद ऐसे भी हो सकता है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन इतनी बढ़ चुकी होगी जिसकी वजह से भी नींद नहीं आ सकती, ऐसी भी चीजें होगी। कहीं बाहर जाने की प्लानिंग, रिलेशनशिप में ऐसी चीजें हो सकती है कि कहीं बाहर जाने की प्लानिंग, या फिर कहीं प्लेस चेंजमेंट का टाइमिंग मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो है थोड़े पार्टनर में अच्छी बातें भी हो सकती है, जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए बात करें। बाकी तो अगर देखा जाए तो चीजें काफी ज्यादा, आपको कुछ नई चीजों से गुड न्यूज भी मिल सकती है, कुछ हैप्पी चीजें भी दिखाई दे रही है वृषभ राशि वालों के लिए, पर कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यू ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़े से परेशान रहेंगे। पर 100% है कि कहीं ना कहीं दिस मंथ में बाहर जाएंगे, फॉरेन ट्रिप करेंगे, या फिर कहीं जहां पे रहते हैं वहां से कहीं 12-13 घंटे की दूरी पर भी जो है जा सकते हैं, मतलब लॉन्ग जर्नी होगी, 8-10 दिन की जर्नी होगी, कहीं बाहर की जर्नी भी हो सकती है, कहीं पुराने दोस्त भी मिल सकते हैं, ये कंडीशन जो है आपकी दिस मंथ पे नजर आती हुई दिखाई देती रही। काफी अगर कुछ चीजें ऐसे कर रहे हैं तो सोच समझ के काम कीजिए, काम में भी चीजें काफी बेस्ट रहेगी, पार्टनर के साथ भी काफी अच्छे तरीके से टाइम जरूर बिताएगी, पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वाइब जो नेगेटिविटी की आ रही है ना वो चीज को आप हटा के कुछ नई चीजें कर सकते हैं। रात को नहीं सोना, थोड़ी सी हेल्थ में इश्यू आना, ये चीजें आप में रहेगी, तो खान पान के ऊपर ध्यान रखें एंड जल्दी से जल्दी सो जाए। अगर मोबाइल पे ज्यादा ध्यान होने की वजह से भी ये इश्यू हो सकते हैं तो भी केयरफुल। बाकी रिलेशनशिप में काफी अच्छी स्ट्रांग एनर्जी आ रही है एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी दिस मंथ, काफी अच्छे घूमने फिरने के प्लानिंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं अच्छी एनर्जी जो है आप समय जो है अपना जो काफी अच्छे तरीके से बिता सकते हैं। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो वृषभ राशि वाले प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा कि कैसे रहा आपका वृषभ राशि वाले की रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, एंड आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मैं ऐसे ही न्यू वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूंगी, ऐसे ही आपके साथ
आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू टिप्स भी लेके आती रहूंगी। आप ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आपके लिए यही ब्लेसिंग रहेगी। आप ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन में स्ट्रांग रहे, आपके लिए लव कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहे, आपका पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छा रहे। एंड जैसे कि टैरो ट्रेडिंग स्टार्ट है, तो टैरो ट्रेडिंग के लिए आप जो है अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। टैरो ट्रेडिंग भी स्टार्ट है, टैरो कार्ड रीडिंग क्लासेस भी स्टार्ट है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लामा फेरा भी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, लामा फेरा के भी क्लासेस आप कर सकते हैं। जिन्होंने रेकी कर चुके हैं उनके लिए लामा फेरा क्लासेस भी स्टार्ट है, जिन्होंने नहीं भी की उनके लिए भी लामा फेरा क्लासेस स्टार्ट है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैं ऐसे ही आपसे मिलती रहूंगी। आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।